कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तवि कर्मणि। बुद्धि के अधीन रहे तो ऐसे कार्य कर सकती है जो इतिहास में सदा जीवित रहते हैं। शक्ति पर यदि ज्ञान और बुद्धि का अंकुश रहे तो निर्माण की एक अनूठी क्रिया जन्म लेती है, परंतु यदि शक्ति के सिर से बुद्धि और ज्ञान का अंकुश हट जाए या शक्ति बुद्धि के वश से बाहर हो जाए तो अराजकता और विनाश के द्वार खुल जाते हैं। बाहुबल यदि बुद्धिबल को अपना बैरी मान ले तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। बुद्धिजीवियों का दमन मानव इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। जब जब सत्ताधारी वर्गों ने बुद्धिजीवियों का दमन किया है तब तब समय कराह उठा है। आज मैं फिर वही दृश्य देख रही हूं। सहस्रार्जुन ने अकारण ही ऋषियों और उनके आश्रमों को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया है और अपने आप को विश्वास दिला दिया है कि ज्ञान और बुद्धि उसकी राजसत्ता को ललकार रहे हैं। देखें उसका यह दुर्विश्वास उसे कहां पहुंचाता है। महाराज सहस्रार्जुन, क्या आपको अपने ऊपर लगे आरोप का ज्ञान है? ज्ञान है, पर मैं उसे आरोप नहीं मानता। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक निशस्त्र और निर्दोष बालक को घायल करना अपराध नहीं मानते। वो निशस्त्र अवश्य था, निर्दोष नहीं। उसने एक राजा का मार्ग रोकने का साहस किया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है ऋषिवर। मेरे पुत्र कलश ने तो केवल इतना ही कहना चाहा था कि मेरे अनुमति के बिना आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और वो ये बात भुला बैठा था कि जिस धरती पर ये आश्रम है वो धरती हमारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं महाराज, इस धरती का स्वामी केवल ईश्वर है, और उसी ईश्वर ने ये धरती हमें दी है, और हमने उदारता और तयवश धरती का टुकड़ा आश्रम को दान में दिया है। यदि आपने ये भूमि दान कर ही दी है राजन, तो इस पर से आपका अधिकार समाप्त हो गया, और एक राजा के लिए दान में दी हुई भूमि पर अधिकार जमाना लज्जाजनक होता है। और हे महाराज सहस्र अर्जुन, आप ये न भूलिए कि यदि आपने हमें और हमारे आश्रमों को धरती के कुछ टुकड़े दान में दिए हैं तो हमने
और हमारे आश्रमों ने भी आपको और आपके समाज को बहुत कुछ दिया है। हमने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, संयम दिया है, सुशील बनाया है, सुनियोजित जीवन बिताने का मार्ग दिखाया है और न्यायप्रिय राज्य की परिकल्पना दी है। और ये राज्य हमने अपने बाहुबल और शास्त्र शक्ति से प्राप्त किया है। ये शस्त्र शास्त्र और इन शस्त्रों का उपयोग भी आपको इन्हीं आश्रमों ने सिखाया है। महाराज सहस्रार्जुन, आप दोषी हैं और आप अपना आरोप स्वीकार भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इस धर्म संसद की ओर से आपके लिए इस दंड का प्रस्ताव कर रहा हूं कि आपने जबदंग निपुत्र कलश को आघात पहुंचाया है, इसलिए आप उनसे क्षमा मांगे। मैं यह दंड स्वीकार करता हूं और सत्य बात तो यह है ऋषिवर कि मैं इस धर्म संसद को दंड देने का अधिकारी नहीं समझता। महाराज सहस्रार्जुन, आपने अनुशासन भंग करके दूसरा अपराध किया है और इसका दंड जानते हैं आप? आपको सिंहासन से उतारा जा सकता है यदि प्रजा को यह ज्ञात हो गया कि आपने धर्म संसद के आदेश को नहीं माना। तो जिस राज सिंहासन, जिस राज शक्ति और जिस मुकुट के कारण प्रजा आपके समक्ष नतमस्तक होती है, वो आपको इन सब से वंचित भी कर सकती है और इस राज्य में विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि आपको उसे बुझाना असंभव हो जाएगा। क्षमा ना मांगने की स्थिति में हम आपके दूसरे अपराध का दंड अभी घोषित कर देंगे। मैं अपना आरोप स्वीकार करता हूं और ऋषि पुत्र कलश से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता हूं। ऋषि पुत्र कलश, क्या आप महाराज सहस्रार्जुन को क्षमा प्रदान करते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं महिष्मति नरेश महाराज सहस्रार्जुन को मुझ पर हाथ उठाने के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस भूल को भविष्य में कदापि ना दोहराएंगे। स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। महाराजाओ, मैं अपने राजभवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके पराक्रम से, आपके यश से, आपके शौर्य से भली भांति परिचित हूं। आप उसी प्रकार पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा नवमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपके बल को, आपके तेज को बारंबार प्रणाम करता हूं। हे महेश्वरी नरेश, महान सम्राट सहस्रा अर्जुन, हम बता नहीं सकते कि आपका निमंत्रण पाकर हम कितने प्रसन्न हुए। हमें लगा इतनी महानता पाल लेने के बाद भी आप हम जैसे राजाओं को भूले नहीं। नहीं मेरे पूज्य अतिथिगण, आप सब महान हैं। मेरे औपचारिक निमंत्रण पर, मेरे बुलाने पर भी आप सब यहां आ गए, ये महानता नहीं तो और क्या है? हमें आशा है
कि आप अपने निमंत्रण का कारण भी बताएंगे। अवश्य। हे आदरणीय राजा, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैं आपके साथ ऋषियों के आचरण और आश्रम की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में विचार विमर्श करना चाहता था। हाँ, हमें समाचार मिल चुका है कि धर्म संसद ने आपको दंड दिया है। दंड? आप इसे दंड कहते हैं? नहीं, अपमान है ये, खुला अपमान। और ये अपमान केवल सम्राट सहस्रार्जुन का ही नहीं था, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण ललकार थी जिसकी गूंज हमारे जनपदों तक भी पहुंच चुकी है। ऋषि ये बताना चाहते हैं कि वो हमसे कई अधिक बलवान हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस अप्रिय घटना की व्याख्या नहीं करनी पड़ी, आप स्वयं समझ गए। हम ये भी समझ गए हैं कि ये केवल आपका नहीं, हम सबका अपमान है, हमारी शासन प्रणाली का अपमान है, मुकुट का, सिंहासन का, सत्ता के महान प्रतीकों का अपमान है। आज जो महाराज सहस्रार्जुन के साथ हुआ है, कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं यही जानना चाहता था कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो, आप में से किसी के साथ भी ना हो, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। वो तो हम नहीं जानते, हम तो बस ये जानते हैं कि आप जो भी करें हम आपके साथ हैं महाराज। हमारे मस्तिष्क में एक योजना है, हमारी प्रजा को यह बात कदापि ज्ञात नहीं होनी चाहिए कि हम ऋषियों के विरुद्ध पग उठा रहे हैं अथवा उन्हें दंडित कर रहे हैं। उन्हें यही लगना चाहिए कि ऋषि क्रोधित और उत्तेजित होकर हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। यह कैसे संभव होगा? बड़ी सरलता से, हमें उन्हें उत्तेजित करना होगा। राजकोष से जो उन्हें सहायता मिलती है उसे बंद करना होगा। जनहित के नाम पर आश्रमों पर कर लगाना होगा और प्रजा से यह कहना होगा कि यदि कृषक और भूमि के स्वामी कर देते हैं तो ऋषियों को इस बात से छूट क्यों दी जाए। यह सब आश्रमों और ऋषियों की शक्ति को कम करने के ढंग होंगे। वाह, ऐसी योजना तो केवल आपके जैसा महान मस्तिष्क ही सोच सकता है महाराज सहस्रार्जुन। इस योजना की पूर्ति के लिए पहला पग मैं स्वयं उठा रहा हूं और कल ही उठाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं आप, हमें नहीं बताएंगे? आपसे कुछ भी छुपाने का कोई अर्थ नहीं। जो मैं करने जा रहा हूं, जब वो हो जाएगा तो आपको देखकर और सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैंने तुमको कितना रोका कि सुनार अभी जाग रहा होगा, उसके घर में मत घुसो, लेकिन तुम लोग नहीं माने, अंततः हम पकड़े गए ना। मुझे क्या पता था कि हमारे ग्रहों की दशा उत्तम नहीं है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे होगा क्या, महाराज सहस्रार्जुन के राज्य में न्याय की आस करना ही समय नष्ट करना है। उनके राज्य में चोरी करना पाप नहीं, पकड़ा जाना पाप है। खोलो, चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस समय अर्धरात्रि को? हाँ, अभी इसी क्षण। लगता है मारे गए। दंड तो प्रातः काल भी दिया जा सकता है, रात्रि तो कट जाने दीजिए। चलते हो या मारते मारते ले चलूं? चलते हैं, चलते हैं भाई। जो है चल के मैं लिखा है वो तो होना ही है। महाराज की जय हो। अभियुक्त उपस्थित है महाराज, तुम जा सकते हो।
महाराज, हम अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहते हैं महाराज कि अब हम भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें सुधरने का अवसर दे महाराज, सदा हम आपके आभारी रहेंगे महाराज। यदि चोरी के आरोप में हमारे हाथ काटे न जाए तो हम इन हाथों से जीवन भर मंदिरों की सीढ़ियां स्वच्छ करेंगे महाराज। तुम लोगों के हाथ नहीं काटे जाएंगे। तो क्या गले काटे जाएंगे महाराज? नहीं महाराज नहीं, हमने तो सिर्फ चोरी ही की है, किसी के प्राण तो नहीं लिए। इतना कठोर दंड हमें ना दे महाराज, हम पर दया कीजिए। संभव है कि तुम लोगों के गले भी ना काटे जाएं? तो फिर क्षमादान भी दिया जा सकता है। क्षमादान? महाराज कहीं मैं सोते में सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, बल्कि यह सत्य है कि तुम लोगों को क्षमा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि तुम लोगों को पुरस्कार देकर राज्य की सीमा से बाहर जाने की अनुमति भी मिल जाए, लेकिन यह तभी संभव है यदि तुम मेरा कहा मान लो, मेरे आदेश का पालन करो। महाराज हम तो जन्म से आपके सेवक हैं, आपके दास हैं महाराज, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है महाराज। आप तो केवल आज्ञा दीजिए महाराज। तुम्हें एक स्थान से गौएं चुराना है। महाराज चोरी करना तो हमारा जन्मजात व्यवसाय है, इसलिए तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, परंतु वो स्थान है कहाँ? वो स्थान एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि का आश्रम? हाँ, तुम्हें ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी गौएं चुराना है। तुम उन गौओं को चुराकर उन्हें कहीं भी बेच सकते हो, और उस धन को हमारी तरफ से पुरस्कार समझ लेना। क्षमा करें महाराज, हम लोग तो केवल चोर हैं, और चोरी के अतिरिक्त हमें कुछ आता भी नहीं, परंतु ऋषि आश्रम तो एक पवित्र स्थान है जहां पर ऋषिगण हमारे ही बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी करने में हमें अत्यंत पीड़ा होगी महाराज। तो मुझे तुम तीनों को मृत्युदंड देने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। कारागार अधिकारी, आ गया महाराज। इन तीनों को ले जाओ और भोर होने से पहले इनका वध कर दो। हमें सब स्वीकार है महाराज, जो आप कहें वह सब स्वीकार है। हम अभी जाते हैं, चोरी करते हैं महाराज। हम आपके आदेश का पालन करेंगे महाराज। जान लो, अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। देखिए महादेव, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं, और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराध का प्रवेश समाज के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। और फिर अपराध का राजनीतिकरण। तैयार रहिए मुझे सहस्रार्जुन पर। इतना शक्तिशाली और बलवान सम्राट होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज चोरों का आश्रय लेने पर विवश हो गया है। कमल नयन, मुझे सहस्रार्जुन राजा नहीं भिखारी लगने लगा है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए चोरों और लुटेरों से सहायता मांग रहा है। इससे अच्छे तो वो अपराधी हैं जो आश्रम के विरुद्ध कुछ करने के लिए झिझके थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पल भर के लिए रोका था, और आज भी वो जो करने जा रहे हैं वो केवल मृत्यु के भय से। इतना भयभीत है सहस्रार्जुन आश्रमों के अस्तित्व से? हाँ महादेवी, वो वास्तव में भयभीत है, और इसीलिए अत्याचारी भी है, क्योंकि अत्याचार भी भय का ही तो एक रूप होता है महादेवी। अत्याचारी वही होता है जो भीतर से भयभीत होता है, जो भीतर से स्वयं को असुरक्षित पाता है। पर क्यों, ऋषियों ने ऐसा क्या कर दिया है? महादेवी, जिस प्रकार एक मदोन्मत्त गज अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत और उसके अंकुश को शरीर से झटक कर फेंक देना चाहता है, उसी प्रकार सत्ता की मदिरा में चूर सत्ताधारी स्वयं पर कोई रोग कोई विरोध सहन ही नहीं कर पाता। और इसीलिए तो ऋषिगण और उनकी धर्म संसद बनाई गई थी कि राजा जनहित के विरुद्ध कुछ ना करे, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग ना करे, कभी अपना संयम न खोए। परंतु दुर्भाग्य से महादेवी,
सहस्रार्जुन इसे अपनी स्वतंत्रता पर लगा हुआ पहरा समझ बैठा है। परंतु हे कमलनयन, दुख का विषय तो ये है कि ऋषिगण भी मानव हैं और सहस्रार्जुन भी। जो भी हो रहा है उसके फलस्वरूप तो मानव ही मानव से टकराएगा ना। फिर कोई भी जीते कोई भी हारे, वास्तविक हार तो मानवता की ही होगी। महादेवी, यदि ब्रह्मा का यही निर्णय है तो यही सही, पर यह तो आप देख ही रही है ना कि टकराने वाले दो मानवों में से एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धिबल, एक के पास शस्त्र है तो दूसरे के पास शास्त्र। देख रही हूँ कमलनयन, और ये भी देख रही हूँ कि युद्ध में बुद्धि वो कार्य नहीं कर सकती जो भुजा करती है, शास्त्र शस्त्रों के भांति प्रहार नहीं कर सकते। जानता हूँ प्रिय, और इसीलिए मैं समस्त मानव लोग को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा जो असहाय है, दुर्बल है, परंतु मानवता को जिनकी आवश्यकता है। हमें क्षमा कर दीजिएगा ऋषिवर, हम विवश थे। हम जो भी कर रहे हैं उस पर हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही है। परंतु चोरी हम अपने प्राणों को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्वामी, क्या हुआ देवी? ये असमय कौए क्यों रंभा रही हैं? अंधेरे में कुछ देख लिया होगा, अन्यथा इस आश्रम में तो कोई भय नहीं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम कष्ट ना करो, तुम गर्भावस्था में हो, तुम विश्राम करो, सो जाओ, वो अपने आप चुप हो जाएंगी। Thank you.
की जय हो। अभियान पूरा हुआ महाराज, आपके ये तीनों दास अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं। हम बहुत प्रसन्न हुए। अब इन तीनों के लिए आदेश क्या है? इन तीनों ने बहुत भला कार्य किया है, हमारे आदेश का पालन किया है, और हम नहीं चाहते कि इस कार्य की भनक किसी को भी मिले। हम चाहते हैं कि भेद कभी ना खुले कि यह कार्य किसने किया। हम नहीं चाहते कि यह रहस्य कभी भी प्रकट हो कि यह कार्य किसने करवाया है। इस कारण महामंत्री, सूर्य निकलने से पहले इन तीनों के सिर काट दिए जाएं। क्या? नहीं महाराज, आपने तो कहा था कि हमें पुरस्कार दिया जाएगा। तुम्हारा यही पुरस्कार है? नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, ये तो अन्याय है, अन्याय है। हमारी आज्ञा का पालन हो। सैनिकों, ये विश्वासघात है। महाराज आपने झूठ बोला। सुराज्य नहीं, दस सुराज्य है, हत्यारा है, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा को ईश्वर के अधिकार प्राप्त होते हैं और ईश्वर कभी भूल नहीं करता। अरे सारी गौ कहां गई? मैंने तो उन्हें अपने हाथों से घुटों से बांधा था, कहीं चोर तो नहीं लगे सारी गौ को हककर। गुरुदेव को चल के सूचना देते। हाँ, चलो चलो। महाराज। कहिए महामंत्री जी, चमदग्नि आश्रम में रात की घटना की क्या प्रतिक्रिया हुई है? सर्वथा वैसी ही जैसी हमने आशा की थी। आश्रम में सनसनी फैली हुई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आश्रम की गौएं भी चुराई जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आश्रम स्वयं को असुरक्षित और आतंकित पाने लगेंगे। शत प्रतिशत, आपका लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा हो गया। यहां मुझे आपसे मतभेद है महामंत्री जी। मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं, प्रारंभ हुआ है। अर्थात आप कुछ और भी करना चाहते हैं? हां महामंत्री जी, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारा आदेश लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम जाना होगा। जी मुझे? हां महामंत्री, स्वयं आपको। मुझे तो अर्धरात्रि को ही कहूं के रंभाने से संदेह हो गया था कि कोई ना कोई संकट अवश्य है, किंतु देवी ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई गांवों की चोरी करेगा। अरे निकृष्ट अपराधी भी इतना घृणित कार्य नहीं कर सकता। सत्य पूछिए तो मुझे गऊ की चोरी का इतना दुख नहीं है। मुझे तो विद्यार्थियों के आहार की चिंता है। जिसने भी ये अनैतिक कार्य किया है उसने शिशुओं के मुख से उनका भोजन छीना है। यदि विद्यार्थियों को दुग्ध आहार ना मिला तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं महाराज सहस्र अर्जुन के पास जाऊं। राजा है, देश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना उनका धर्म है। उनके रहते हुए देश में लूटमार हो तो स्वयं उनके लिए लज्जा का विषय है। सिद्धांत रूप से तो आप सत्य कह रहे हैं, किंतु पुत्र कलश वाली घटना के उपरांत क्या उनका व्यवहार अब भी वैसा ही होगा जैसा पहले था?
वो एक निजी समस्या थी देवी। राजा न्याय करते समय अपनी भावना से न्याय को प्रभावित नहीं होने देता। वो एक पिता और एक राजा के मध्य वाद विवाद का विषय था, परंतु ये तो व्यवस्था का विषय है। प्रजा का दुख, उसकी विपता राजा नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा? हमें नागरिक होने के नाते ये अधिकार प्राप्त है देवी कि हम महाराज से हानिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम महामंत्री जी, आपका स्वागत है। पधारिए, बड़े उचित समय पर आए हैं। लगता है कि महाराज सहस्त्र अर्जुन को आश्रम में गवों की चोरी की सूचना मिल चुकी है, तभी तो मैंने आपको भेजा है यहां। मुझे तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश देकर भेजा है। मेरे लिए संदेश? क्या संदेश भेजा है महाराज ने? ऋषिवर, महाराज सहस्त्रार्जुन ने संदेश भेजा है कि उन्होंने राज्य की उन्नति के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। प्रजा की सुविधा के लिए यातायात के आधुनिक साधन, कृषकों की सहायता के लिए नए बांध इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। इन योजनाओं के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। परंतु महामंत्री जी, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषिवर, महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जनहित की योजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अनावश्यक व्यय बंद करने होंगे, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आपके आश्रम को जो आर्थिक सहायता राजकोष से मिल रही है वह स्थगित कर दी जाए। क्षमा कीजिए महामंत्री महोदय, परंतु इस आश्रम में बालकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उन्हें विद्याएं सिखाई जाती हैं, उनके जीवन का निर्माण किया जाता है, और यदि महाराज इस पर व्यय होने वाले धन को अनावश्यक और व्यर्थ समझते हैं तो मेरी सहानुभूति है उनके साथ। महाराज तो यह भी भली भांति जानते हैं कि जो कुछ भी धन वो मुझे देते हैं मैं अपने और अपने परिवार के पोषण पर नहीं बल्कि इन विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के खान पान रहन सहन पर व्यय करता हूं। महामंत्री जी, यदि यह सहायता रुक गई तो इन विद्यार्थियों का क्या होगा? अरे शिक्षा ही समाप्त हो गई तो यातायात के साधन और बांध क्या करेंगे? ऋषिवर, मुझे खेद है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरा कर्तव्य था आपको महाराज का संदेश सुनाना, जो पूरा हुआ। अब मैं अनुमति चाहूंगा। प्रणाम। रुक जाइए महामंत्री जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं गुरुदेव, जाने दीजिए महामंत्री जी को, मत रोकिए उन्हें। नहीं पुत्र, विशेष विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है। जो इस आश्रम में रहते हैं उनका क्या होगा, इस आश्रम का क्या होगा? यह आश्रम इसी भव्यता से चलता रहेगा। परंतु कैसे पुत्र? इस आश्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और यह धन कहां से आएगा? धन हम लाएंगे गुरुदेव। तुम लाओगे? तुम कहां से लाओगे? हम नगर नगर जाकर दान मांगेंगे, द्वार द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगेंगे गुरुदेव। तुम दान मांगोगे, भिक्षा मांगोगे? हाँ गुरुदेव, और इसमें दोष ही क्या है? जब स्वयं भगवान भिक्षा मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? भगवान ने मानवता के लिए भिक्षा मांगी थी, हम शिक्षा और विद्या के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? पुत्र, सुन लिया महामंत्री जी, आप प्रस्थान कर सकते हैं और अपने महाराज से कहिएगा कि अब हमें उनके दान की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम। मैंने अपने जिस अभियान की आप लोगों से चर्चा की थी उसका रूप तो आपने देख ही लिया है,
मैंने अपने अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है। वास्तव में आपकी दूरदर्शिता सराहनीय है। एक ही प्रहार में आपने आश्रम की शक्ति आधी कर दी है। आश्रम की आर्थिक सहायता बंद करके आपने उनके बल का मुख्य साधन समाप्त कर दिया है। परंतु ऋषि जमदग्नि के शिष्यों ने भिक्षा मांगने का निर्णय लेकर उस हानि का तोड़ भी सोच लिया है। तोड़? राजकोष से तो धन मिलता था, भिक्षा से क्या उसका दसवां भाग भी जुटा पाएंगे ये मूर्ख ऋषि? कदापि नहीं, इसकी तो कल्पना भी व्यर्थ है। मित्रों, मैंने राह दिखा दी है, आगे बढ़ने की बारी आपकी है। हमें ऋषियों का अहंकार तोड़ना है और उनके आश्रमों को विध्वंस करना है। पर हमें क्या करना होगा? वही जो मैंने किया है। आप अपने अपने राज्य में आश्रमों की आर्थिक सहायता बंद कर दें और नए कर लगाएं, और जो भी आश्रम कर देने में असमर्थता व्यक्त करे उसे फूंक दें। हमें ऋषियों के आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेना है। अवश्य, ये बहुत ही आवश्यक है। हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। हाँ, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। प्रणाम ऋषिगण। क्या समाचार लाए हो शिष्य? ऋषिगण, मैं ऋषि जमदग्नि के आश्रम से आ रहा हूं। वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसके कारण पूरे राज्य में असंतोष फैलने लगा है। हमें पूर्व वृतांत सुनाओ शिष्य। ऋषिगण, गौओं की चोरी एक ऐसी घटना है जो आज तक नहीं घटी थी, किंतु जमदग्नि के आश्रम से 200 गौएं एक साथ चुरा ली गई हैं, और यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इस चोरी में किसका हाथ है। गौओं की चोरी? क्या यह संभव है ऋषिवर? मुझे तो तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि गौओं का मोल भाव तो सार्वजनिक रूप से होता ही नहीं है। इसलिए किसी का धन प्राप्ति के लिए गौओं को चुराना तो समझ में ही नहीं आता। और फिर यहां प्रश्न एक दो गौओं का नहीं है, जो यह समझा जा सके कि किसी ने निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा किया होगा। यहां तो प्रश्न 200 गौओं का है। ठहरिए, मुझे देखने दीजिए। हरिओम। इन गौओं की अच्छे से देखभाल की जाए, इन्हें चरने के लिए बाहर न ले जाया जाए, और इस बात का सदैव स्मरण रहे कि प्रजा की दृष्टि इन पर कदापि नहीं पड़नी चाहिए। जो आज्ञा सेनापति जी। ये तो अनर्थ है, घोर अनर्थ। क्या हुआ ऋषिवर? यह गहरे संकट की घोषणा है ऋषिगण। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ राजा और नरेश गुरुकुल संस्था पर आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे हैं। मेरा संदेह उचित सिद्ध हुआ, आक्रमण आरंभ हो चुका है। हे ऋषिवर, हम विस्तार से सुनने के लिए व्याकुल हैं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम से 200 गौओं की चोरी में राजा सहस्रार्जुन का हाथ है, और ये सारी गौएं उन्हीं के पास है। ये तो बहुत घृणित कार्य है ऋषिवर, हमें मौन नहीं रहना चाहिए। गुरु वशिष्ठ, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? राजा सहस्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से अपने अपमान का प्रतिशोध लिया है, और प्रतिशोध लेने की धुन में वे अपना राजधर्म भी भूल गए। हमें उनको राजधर्म पुनः स्मरण कराना है। इसलिए शिष्य, तुम पुनः उनके पास जाओ और भरे सभागृह में जाकर उनके इस कुकृत्य का भंडा फोड़ कर दो। उन्हें बताओ कि हमें ज्ञात है, हमें सब कुछ ज्ञात है। उनसे कहना कि एक राजा को चोरी करना या करवाना शोभा नहीं देता। उनसे यह भी कहना कि धर्म संसद ने गुरुकुल संस्था पर किए गए इस प्रहार को बहुत गंभीरता से लिया है, और भविष्य में ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए।
और उन्हें यह चेतावनी देना शेष कि धर्म संसद को एक राजा को भी अपदस्थ करने का अधिकार है, उन्हें सिंहासन से उतारने का अधिकार है। अपनी सीमा में रहे सबको बांटे न्याय, राजा का ये धर्म है अपना धर्म निभाए। जिस राजा को हो गया सत्ता का अभिमान, उसका पतन समीप है रहे सदा ये ध्यान, रहे सदा ये ध्यान। जो सुने चल सुजान विष्णु पूरा।